अददमाफी मिल्ला है सला तंदातन बदवा में मिल्क असलकुम वरम वबरकू नाजिन कराम आप देख रही हैं प्रोग्राम दीन और ख़ुती ज़र नाचीज़ निदा नसीम के साथ जनाब हम बात कर रहे हैं गुज्त चंद प्रोग्राम से लिबास के तल्लु से और हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं लिबास के तल्लुक़ से शर्मात तो जनाब हमारा जो लिबास है वो हमारे जिसम को ढांपने वाला है घेरने वाला है छुपाने वाला है हमारी पोशाक हमारा लिबास हमारे पहनावे हमारी शख्सियत के आईनादार होते हैं जनाब ये जो लिबास है इसके लिए जो कायदा हमने सीखा है वो ये है कि ये स्तरे औरत के लिए है शरा आराफ़ आयत नंबर छब्बीस में अल्लाह तबारक ताली ने इसकी तारीफ बयान फरमाई है कि ये बनी आदम के लिए जो लिबास मफो मर्स कर रही हूँ उतारा गया है वो उनकी शर्मगाहों को छुपाने वाला है ढांपने वाला है और उनके लिए बास जीनत भी है तो जनाब ये बात सीखने और समझने के बाद हमने बात की गुज्तः प्रोग्राम में Uh, कि एक औरत के लिए यकीन क्योंकि दीन इस्लाम दीन फ़ितरत है हर शोबे में वैसे तो मुकम्मल और जाम रहनुमाई मेरे और आपके लिए हम सब के लिए फराहम करता है लेकिन जब बात होती है लिबास के तलुक़ से तो यहाँ भी इतने मुकम्मल और इतने प्यारे अकाम हमें नज़र आते हैं कि मरद वजन दोनों को निगाहें नीचे करने का हुक्म दिया उन दोनों को ऐसे लिबास जेब करने का हुक्म दिया कि जो बहुत ज़्यादा फिटेड ना हो, बहुत ज़्यादा चुस्त ना हो बहुत ज़्यादा सी थ्रू ना हो और बहुत ज़्यादा जिसम के साथ मिले हुए ना हो, आसान आसानी के साथ ढीले ढाले और ऐसे लिबास कि जो यकीन ऐसा भी नहीं है कि दीन जो है वो जिदत पसंदी से हमें दूर करता है नहीं आप दौर हाज़िर के अहद हाज़िर के हिसाब से भी लिबास पहन सकते हैं लेकिन जनाब वही वाली बात जो तारीफ हमने सुर आराफ़ की रोशनी में सीखी है कि लिबास जो है वो आपकी शर्मगाहों को ढाँपने वाला हो यानि वह सातिर हो और वो ऐसा हो कि जो वो हमें अच्छा भी दिखाए लेकिन अल्लाह तबारक तसूल सलिल वसलम की तलीमत से हमें दूर ना करता हो क्योंकि दीन ने एक औरत को हया की चादर अता फरमाई है और उसे लिबास ऐसा जिबतन करने का हुक्म दिया है कि जो उसके वक़ार और उसके शरफ़ में इजाफा करे जनाब हमने बात की कि लिबास कैसा होना चाहिए हमने बात की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा जो कलर का लिबास था वो सफ़ेद था लेकिन औरत जो दुल्हन है उसके लिए चूँकि उसकी एक इम्तियाजी और मरकजी हैसियत है तो वो सुर्ख रंग का लिबास भी या मरून कलर का या डार्क कलर के लिबास भी पहन सकती है आज हम बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, हम सीखेंगे समझेंगे जानेंगे कि मर्दाना वज़ाक़त जो औरत रखना चाहती है या ऐसा लिबास पहनना चाहती है कि जिससे कहीं मर्द के लिबास से वो मुशाबा लिबास हो रहा है तो ऐसी औरतों पे क्या शरीयत ने हमने हदीस में यकीनन पढ़ा भी है कि लानत फरमाई गई है इसकी तफसील आज हम जानेंगे फिर दौरे हाजिर में लड़कियाँ जीन्स टी शर्ट्स पहनती हैं और यकीन हम एक मॉडर्न तहजीब को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो क्या शायद इससे रोकती है अगर पहन सकते हैं तो यहाँ किन बातों का ख्याल रखना होगा हम सीखेंगे अपनी आलिमात से माशाल्लाह मेरी पहली मेहमान स्कॉलर फ़िक्रंगेज़ और जामें गुफ्तु फरमाती हैं आलिमा उफ़ इब्राहिम को सलाम अर्ज करते हैं सलाम वालेक। आप से। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर है माशा आप भी बसीरत अफरोज गफ्तु फरमाती हैं हम आलम हाजरा अमीन को भी सलाम अर्ज करते हैं असल अलहमदिल्ल ना जिन हम सबकी खुश नसीबी हमारे प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम्स को बल्कि मैं बड़ी अपने लिए भी बासीदत इस बात को समझती हूँ कि इंट्रोडक्शन आप तमाम से करवाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशा हर वीक यानी हर बुध और जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कमोबेश बेश पाँच बजे के इस्लाही फिक्री और नफा बख्श गुफ्तु फरमाने के लिए मुफ्ती आने कराम हमें अपना कीमती वक्त देते हैं और आज मुफ्ती मोहम्मद मदनी रज़ा साहब ऑन बी पर बरह रास्त मौजूद हैं इन्हें भी सलाम अर्ज़ करते हैं असलतुम है। आप खैरियत से हैं जना बात हो रही है लिबास के तल्लुक से तो जनाब हम चाहते हैं कि आलम उफ़ इब्राहीम आप इस सिलसिले का आगाज़ करो मेरी बहन मर्दाना मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरत या ऐसी औरतों पे ऐसी आ, ऐसा जो ग्रुप है एक औरतों का उन उनपे शरीय मुतहर ने लानत फरमाई है अदीस में ऐसा आया है आप इस तल्लु से क्या रहनमाई फरमाओगी कि ये जो लानत का लफ्ज है अल्लाह की रहमत से दूर होना कितना बड़ा उजिर तो तो कि के हिसाब से लिबास पहने भी जाए तो आप किस तरह हम सबकी रहनमायरमा देखें अवला तो है कि निज़ाम कायन तखलीक फरमाया उसमें मर्दों औरतों और के दो अलग इंतजाम किए है। खातून को जिम्मेदारी दी कि वो दाखिली उमूर संभालेगी और मर्दों को ज़िम्मेदारी दी कि वो खारजी उमूर संभालें दाखिली उमूर से मुराद ये है कि घरेलू कामकाज, काज उमूर खाना के जो तमाम काम हैं वो औरत अंजाम देगी और औरत के नफ़े की जो जिम्मेदारी है या जो बाहर के काम काज हैं वो शरीय मुतहरा ने मर्द के ज़िम्मे किए अब मसला वहाँ पैदा होता है कि जहाँ पर इस निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश की जाए या उसको उलटने की कोशिश की जाए यहाँ हमारी खातन का अक्सर नारा सुनने में आता है कि हम मर्दों के शाना बशाना चलना चाहते हैं और इस नारे की जद में आके बहुत सी खातन वो काम कर जाती हैं कि जिनसे शरीय उनको रोकती है अब बास ख़व की तो जॉब करना मजबूरी होती है बाहर निकलना उनकी मजबूरी का हिस्सा होता है ठीक है लेकिन कुछ खातन ने इसको ट्रेंड बना लिया कि जब तक वो बाहर जाकर और उसको फैशन समझती हैं बाकायदा कि हम बाहर जाकर इस तरह के काम अंजाम दें मर्दों की तरह हम चाल ढाल इख्तियार करें तो ये हमारी वैल्यू को बढ़ाएगा ऐसी के घर मैनेज नहीं हो पाते। वो अपने घर में किसी ना किसी ना प्रॉब्लम को क्रिएट करते हुए और और फिर अपने शौक को और को फैशन अपना रही होती हैं। तो है है, ला अफरा या तीन ग्रोह ऐसे हैं की जिनके तरफ अल्लाह अजवा जल बरोमत नजर करम नहीं फरमाएगा उनमें से एक है अलमर अतु मतरदल कि ऐसी औरत के जो मर्दाना मुशाबहत इख्तियार करती है अब ये मुशाबहत जो है वो फकत लिबास से नहीं होती लिबास से भी होती है इंसान के चाल ढाल से भी होती है और अतवार से भी होती है तो है कि कोई खातून किसी मर्द जैसा लिबास पहन ले या तो वो किसी मर्द की तरह चलना फिरना शुरू कर दे जिस तरह मर्द बारोबंदाज में कलाम करता है वो ऐसे चिंगाड़ के बात करती हो तो कुछ औरतों को इसका भी शौक होता है तो इन तमाम खुवान को जो आपने भी बैन फरमाया कि ऐसे खातन के लिए अल्लाह की लानत की वईद आई है और ये बहुत बड़ा उखरवी नुकसान है कि ऐसी खातून अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगी अच्छा इसका बेशुमार नुकसान तो आपको बताए लेकिन लानत की वजह क्या है लानत की वजह यह है कि वो अल्लाह की खिलकत में तबदल और तगैर करने की मरतकबा हो रही होती है यानी जिस निज़ाम को ने सेट फरमाया गोया कि वो अपने तर्ज अमल से ये बता रही होती है कि निज़ाम बनाया वो गलत था और जो हम निजाम बनाते हैं वो दुरुस्त है तो वो अल्लाह की हमत को रद्द करती है उसको डिनाई करती है और इसके बदले में शरीय उसे लानत का मुस्तक करार देती है मुस्तक करार देती है और आप देखें ऐसी खुतिन को हमारे माशरे में भी अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि अब एक खातून है जिसके लिए अल्लाह अल्लाहल ने फरमाया कि खातन अपने पैरों को जमीन पर इतनी जोर से मार के ना चले कि उनकी जीनत जाहिर हो जाए हाँ। ये आयते मुकदसा का मफूम है लेकिन वो खातून जब मर्दों की मुशावत करने पर आती है तो वो मर्दों की तरह बारोब अंदाज चलने की कोशिश करती है, है। इसी तरीके से वो अपने चाल ढाल को और अपनी बात के अंदाज को भी मर्दों की तरह बनाती है हालांकि औरत की तो आवाज भी औरत है लेकिन वो जब इस तरह के शौक अपनाना शुरू करती है तो बेशुमार चीजों की तरफ वो जाती चली जाती है इसमें से एक ये भी है कि ऐसी खातून का जो फ्यूचर है वो

तो ये बहुत बड़े बड़े नुकसान है कि जो उस वक्त फैशन की जब धुत लगी होती है तो नहीं समझ जाते हैं, हैं। लेकिन जब इंसान इसमें पड़ जाता है ना तो फिर उसे पता चलता है कि हमने कितनी बड़ी मुश्किल को अपने सर ले लिया तो खुलाहत के उखरेवे नुकसान भी बेशुमार हैं और दुनियावी नुकसान भी आप गिनते चले जाएं अनकाउंटेबल हैं तो इससे बचना चाहिए अल्लाह जल से दुआ है कि वो हमें इस तरह के अमूर से इज्तना की तोफीक़दा फरमाए अल्लाह अबर कॉलर हमारे साथ हैं जी असला बशीर है और मैं कराची से बात कर रही हूँ आपको सबसे पहले तो निदा मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करूंगी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और च्छा आपके च्छा. प्रोग्राम में जो आती है उनका समझाने का अंदाज बहुत ही अच्छा यकीन यकीन मानिए हमारी बहुत ही रहनुमाई होती है से सवाल ये है की नाबालिग जो लड़के होते, होते हैं लड़के होते हाँ। हैं इनके सोने के ज़ेवर पहनना की श्रय है क्या है जैसा वाला लड़कों को ठीक है जी बहुत शुक्रिया एक और कॉल है जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात आप रिबन क्या नाम है आपका और क्या सवाल है आपका मेरा नाम Nadia है Nadia खुशआमद देत कहते हैं आपको मेरा सवाल है कि परदे में चेहरा शामिल है और हमारे यहाँ मतलब ये रिवाज ना तो शुरू में लड़की को पर्दा नहीं कराया जाता बस मतलब सब पर्दा करना वाजिब है ना कजनों के ना महरम से लेकिन इधर माहौल इस तरह का है कि कजनों से, से पर्दा नहीं कराया जाता ठीक है सही है सवाल से क्या शरई हुक्म है अच्छा मुझे ये बताओ आपकी बात मुकम्मल हो गई मैं चाहती हूँ आलिमा हाजरा आपकी समता हूँ मेरी बहन ने इशारतन गुफ्तु हवाले ऐसे फरमाई है लेकिन अब मैं एक मैं चाहती हूँ कि मुफसल शक्ल आपकी जानब से आए आज आजकल आज हम देखते हैं कि जो मॉडर्न लड़कियाँ हैं जो अपने आप को मॉडर्नाइज समझती हैं वो जीन्स और टी शर्ट्स पहनती हैं और लड़कों की जैसे मुशाबहत भी अख्तियार कर रही हैं पाकिस्तान के लिए या सब कॉन्टीनेंट के लिए या फिर जो बैरूनों बैरून मल्क मुक्म हैं उन सब के लिए अगर वो मुसलमान हैं लड़कियां हैं खवतियाँ हैं औरतें हैं तो क्या शरीय हुकुम होगा लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है अपने लबों को दुरुद पाक से तर रखिए बस ज़रूरत पढ़ते रहिए हाज़िर होते हैं बिसमी अल्लाम वाला ना ब्रेक से कबल जैसे कि आज के प्रोग्राम का है कि हम लिबास के शरियत सीख रहे हैं सवाल मैंने आलमा हाजरा से ये किया था कि आज कल यूनिवर्सिटी गोइंग या कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो हैं वो जीन्स और टी शर्ट्स पहन रही हैं खातीन भी पहन रही हैं बाज ऐसा होता है कि ऊपर से बुरका या अबाया पहन लेती हैं और नीचे पहन ली जाती हैं तो मैं इन तमाम जो है वो सरकमस्टानस में चाहती हूँ कि आप जवाब दें यानी घरों में रहने वाली बाहर निकलने वाली पाकिस्तान में इंडो पार्क में मुक्म ख़वात या किसी और किसी फ़ॉर कंट्री में जो रहती हैं उन सब के लिए क्या होगा यानी लिबास से क्या ख़ास किया गया है कि अबाया ही पहने या कोई ढीला ढाला लिबास कोई बड़ी सी चादर ले लें

ठीक है। तो इस आयत मुकदसा में लिबास के दो दो बुनियादी अहम मकासद ब फरमाए गए कि वो इंसान के सितर को छुपाता और उसके लिए जीनत का सबब है सही। तो जीनत वही हमारे लिए जायज़ होगी जो शरीयत के दायरे में रहकर इख्तियार की जाए चुनाचा कोई भी लिबास इख्तियार करें चाहे उसको कोई भी नाम दे दें अगर तो वो तीन उमूर की रिवायत करता है तो उसका इस्तेमाल हमारे लिए बिल्कुल जायज़ है उन तीन उमूर में से सबसे पहला अम्र यह है कि वो ऐसे मटीरियल का बना हुआ हो कि जिसके इस्तेमाल से शरीयत ने मना ना फरमाया हो जैसे मर्दों के लिए खालिश रेशम पहनना शरीयत ने मना फरमा दिया लिहाजा उनके लिए ऐसा लिबास मना होगा दूसरी सूरत यह कि वो लिबास इंसान के सितर को छुपाने वाला हो लिहाजा अगर इतना ज्यादा मुख्तर है कि उसके जो ऐसा छुपाना लाजिम है वो नहीं छुप रहे या इतना ज़्यादा बारीक है उसके उसके आजा नुमाया हो रहे हैं तो ऐसा लिबास इस्तेमाल करना मना होगा सही। और तीसरी सूरत यह है कि वो लिबास काफिरों या फासिकों की अलामत ना हो तो अगर ये तीनों अमूर किसी लिबास में पाए जाते हैं लेकिन उसकी बनावट ऐसी है कि वो जिस्म से बिल्कुल चुस्त है स्किन फिट है जैसे मूमेन टाइट या जीन्स वग़ैरह में होता है तो फिर ऐसा लिबास पहनने की दो सूरतें हैं बुनियादी तौर पर एक तो ये कि औरत अपने घर में महारिम के सामने पहन रही है और साथ में कोई लंबा सा कुर्ता वगैरह पहन लेती है कि जिससे उसकी वगैरह की शेप जाहिर नहीं होती तो फिर तो ऐसी सूरत में उसका वो लिबास पहनना या जीन्स वगैरह पहनना टाइट्स तो भी पहनी जाती है ना जी हाँ बिल्कुल टाइट्स हाँ, भी, 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 भी पहन जाती है लेकिन यही के लंबा होना चाहिए कुर्ता अच्छा और अगर बाहर निकलते वक्त पहनती है और साथ में अबाया वगैरह पहन लेती हैं तब भी इसके बिल्कुल गुंजाइश है लेकिन अगर मामला इसके बरअक्स हो गैरों को दिखाने के लिए पहना जाए या फिर साथ में पर्दे का कोई खासा ना किया जाए तो फिर ऐसी सूरत हाल में उनका वो लिबास पहनना भी जायज़ नहीं और ना किसी का उनकी तरफ निगाह करना जायज होगा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में जहन्नमियों की दो अशनाफ का जिक्र करते हुए फरमाया व नशा उनका तुन आरिया तुम मुमिलात के जहन्नमियों में से एक वो औरतें होंगी कि जो लिबास पहनने के बावजूद बरहना होंगी अब लिबास के बावजूद बरहना कैसे कि वो इतना चुस्त लिबास पहनेंगी कि उनके जिस्म की पूरी शाख नुमाया होगी और उनके बारे में फरमाए कि लायद खुल नल जन्नत व लायजिद ना कि वो जन्नत में दाखिल भी नहीं होंगी और ना उसकी खुशबू पाएंगी व इन न रिहा लयु जदू में व कजा के हालांकि जन्नत की जो खुशबू है वो इतने इतने फासले से सूंगी जा सकती है लेकिन वो औरतें उस खुशबू को हासिल नहीं कर सकेंगी फिर जैसा कि आपने पूछा कि पाकिस्तान में रहने वाली या बाहर मुमालिक में रहने वाली के लिए क्या हुक्म है तो इस हवाले से बुनियादी तौर पर तो ये बात जहन नशीन रखें कि इस्लाम पाकिस्तान में रहने वालों के लिए भी वही है बाहर वालों के लिए भी वही है इस्लाम के अहकाम में फर्क नहीं है लिहाजा बुनियादी अहकाम वही होंगे अगर किसी के लिए कोई मजबूरी वगैरह की सूरत है तो वो एक्सेप्शनल केसेज है वो अलहदा से बयान किए जाएंगे लेकिन बुनियादी हुक्म यही है, है कि वो ढीली डाली पैंट पहने या ढीला ढाला लिबास पहने इस तरह का लिबास अगर पहनते भी हैं तो साथ में पर्दे का अहतमाम करें वरना जायज नहीं होगा अल्लाह ताला से दुआ है कि वो लिबास के मामले में भी शरीय अहकाम पर अमल पैरा होने की तोफ़ी करता फरमाए जनाब जदीद तर्ज का जो लिबास है वो ज़ेबे किया जा सकता है लेकिन जो कायदा मालूम हुआ है वो ये है कि ज़हूर सितर नहीं होना चाहिए जिसम की साख या जिसम की बनावट जिसम की हयत मालूम नहीं होनी चाहिए तो ऐसे लिबास बहुत ज़्यादा ढीला भी मत पहनी है कि कोई आपको देख के कुछ और ही समझने लग जाए लेकिन लिबास यकीन ऐसा हो कि जिससे आपके जिसम के उभार वाजे ना हो मैं मुफ्ती साहब के साम बढ़ रही हूँ और मुफ्ती साहब लिबास के ताल्लुक से मेरी दोनों बहनों ने दोनों आलिमात ने माशाल्लाह बहुत सैर हासिल गुफ्तु फरमाई है मैं चाहती हूँ कि आप अपने माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में इस हवाले से रहनुमाई फरमाई बस्मिल जैसे हमारी बहन ने यह ज़िक्र किया ना कि लिबास में जो मुशाबहत इख्तियार करने पर लानत बयान फरमाई उसकी वजूहत तो जमन हमारी बहन ने जिक्र किया कि जब कोई ख़ातून इस तरह का लिबास पहनेंगी या बिलफर्ज़ ये सिर्फ और औरतों के लिए वहीद नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी वहीद है ये इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब भी हम एक लिबास को इख्तियार करते हैं तो वो लिबास हमारी कैफियत पर हमारे जज्बात हमारे ख़्यालत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है जी जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स दीनी लिबास पहनता है तो फिर वो इस एतबार से अपनी शख्सियत को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करता है कि भाई मैंने एक ऐसा लिबास पहना हुआ है कि जो किसी की ख़ासत है तो उसकी सोच और फ़िक्र फिर उस लिबास के सांचे में ढल जाती है इसी तरीके से अगर कोई गंदा लिबास पहने तो चाहे वो कितनी ही मालूम रखता हो उसको थोड़ी सी हेजिटेशन होगी और अगर कोई अच्छा लिबास पहनता हो तो ख़ुद हासिल होती है इसका मतलब ये है कि लिबास का सोचो फिक्र पर बहुत ज़्यादा असर होता है इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़वान को मर्दों की मुशाबाह इख्तियार करने से मना फरमाया और मर्दों को खातिन की मुशाहत इख्तियार करने से मना फरमाया क्योंकि इससे इनकी सोच और फिक्र में इनके आदत और अतवार में तब्दीली आ सकती है सही। मर्द को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद के लिए मुक्र फरमाया और दीगर ऐसे उमूर के लिए जो औरतें सर अंजाम नहीं दे सकती अगर मर्द जनाना लिबास पहने तो फिर उसके आदत व अतवार उसके चलने का अंदाज भी फिर ऐसा ही हो जाएगा तो यकीनी सी बात है कि जब लिबास ख़ातन वाला लिबास पहनने के बाद मर्द के अंदर ये नाजुकी आ जाए तो फिर वो जिहाद तो नहीं कर सकता ना ना दुश्मन पर रोप डाल सकता है ना कोई और मामला इख्तियार कर सकता है और इसी तरह अगर ख़वान मर्दों वाला लिबास पहने तो वो फिर मर्दों की तरह बेबाक होंगी तो फिर इस बेबाकी के नतीजे में जो मौजूदा दौर के अंदर बहुत से बिगाड़ हमें नज़र आ रहे हैं वो भी बिगाड़ नजर आएंगे शोहर से बदतमीजी और फिर दीगर बहुत सारी चीज़ें क्योंकि वो लिबास उसकी सोच व फिक्र पर इतना हावी हो गया कि उस सोचो फ़िक्र ने फिर में एक बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा किया तो चूंकि ये पूरा एक सिस्टम को ख़राब कर रहा है तो हमारे यहाँ पर भी एक उसूल होता है कि जो भी कोई चीज़ चाहे वो छोटी सी हो लेकिन सिस्टम की ख़राबी का सबब बन रही हो तो उस पर सख्ती उसके लिए रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो फिर यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी लिए, लिए लिबास के मामले में इतने सख्त रूल को या इतनी सख्त वहीद को बयान फरमाया क्योंकि ये रूल को ये निज़ाम को ख़राब करने वाला है दूसरी बात ये कि हमारी बहन ने जो पैंट शर्ट से मुतल कोदात बयान की आ, उस तफसील को भी जहन नशीन रखा जाए साथ में पेंट शर्ट पहनते वक्त ये भी ज़रूरी है कि वो पैंट शर्ट अगर कोई खातून पहन रही हैं मिसाल के तौर पर इन कोई उदाद को सामने रखते हुए वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि आज के दौर में जो टी शर्ट्स होती हैं वो आ, ऐसी नहीं होती कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से जिसम को ढाँप सकें तो बाहर जाते वक्त ख़वान को अपना बुरका या कोई ऐसी बड़ी चादर जरूर या बड़ा जो ऊपर कुर्ता है वो जरूर पहनना चाहिए कि जो आ उनके आजाद जिसम को सही तरीके से ढांप लें और उसमें ये कैद भी जरूरी है कि अगर वो घर में भी पहन रही हैं तो कम अज़ कम वो जनाना पेंट शर्ट ना हो ओ सॉरी मर्दाना पैंट शर्ट ना हो बल्कि जो लेडीज़ के लिए खास फिक्स है वो पहने तो उस तरह का ही पहने दूसरी बात ये कि खातन इस तरह के अहकाम को सुनने के बाद ये ना कहें कि हमारे ऊपर तो देखें लिबास में कितनी पाबंदियाँ यही कोई उदात मर्दों के लिए भी हैं और यही कोई उदात शरीय मुताहरा ने मर्दों के लिए भी बयान की है लिहाजा ये सोच सोचो फिक्र ना रखी जाए कि हम पर तो इतनी पाबंदियां मर्दों के लिए कुछ भी नहीं मर्द चाहे तो पहन सकते हैं फिर इसी तरह इस लिबास को इख्तियार करने के बाद खातन ये ना सोचें कि बाज़ बाजत हमें जब किसी मॉडर्न तबके से बात करनी पड़ती है तो वहाँ पे ये इख्तियार करना पड़ता है हमारी तो मजबूरी है देखें आ, लिबास इख्तियार अगर लिबास साफ सुथरा हो तो चाहे आप किसी भी लिबास में हो आपको वो लिबास पहनने की अगर आदत हो जाए तो फिर आप किसी के सामने भी बहुत अच्छे अंदाज से बात कर सकती हैं इसकी एग्जाम्पल ये है कि देखें बहुत से सिंगर्स ऐसे हैं कि जो हमारे यहाँ पर एक आम तौर पर जो मांगने वाले होते हैं ना अपने आप को सूफी जाहिर कर रहे होते हैं और रोड पर घूम रहे होते हैं काला लिबास पहन के गले में मालाएं डाल के रोड पर मांग रहे होते हैं बहुत से सिंगर्स ये लिबास पहनते हैं और वो उसी लिबास के साथ अपने आप को पूरी दुनिया में प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो तो इस लिबास के अंदर किसी किस्म की कोई शर्म शर्मवार महसूस नहीं करते इसका मतलब ये है कि लिबास का ताल्लुक कॉन्फिडेंस के लिए लिबास ज़रूरी इस एतबार से नहीं है कि आप ये कहेंगे भाई हमें पेंट शर्ट पहनना पड़ता है क्योंकि हमें इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा बल्कि आप अच्छा लिबास पहने साफ सुथरा पहने और उस लिबास को पहनने की आपकी आदत हो जाए तो फिर आपका कॉन्फिडेंस कभी भी ब्रेक नहीं होता लिहाजा इनको को सामने रखकर जो शरीयत को मतलूब है उसको इख्तियार किया जाए अपनी सोचो फिक्र और माशरे के असर को कबूल करके फिर ये कहना कि नहीं हम शरीत के हुक्म को साइड में रखेंगे और फिर हम चलेंगे ये गलत है लिहाजा इस पर तफक्र किया जाए जी जनाब हम सबको तफ़क् करने की ज़रूरत है मरदों जन दोनों के लिए लिबास पारसाई का हुक्म है दोनों को अपने शर्मगाहों की हिफाजत करनी है लेकिन क्योंकि औरत मुकदस ज़्यादा है अल्लाह तबारक ने उसे हया की चादर अता फरमाई है और उसके वक़ार में इजाफ़ा किया है और वो चाहता है कि वह ज़्यादा अपनी हिफाजत का अहतमाम करें लिहाजा थोड़ी एहतियात ज़्यादा करनी है एक कॉलर हमारे साथ हैं जी शामिल कर रही हूँ अलमैकम वालेकुम अल्लाम मेरी बहन हमेरा कैसी हैं आप अल्लाह आप कैसे जी सलाम कर खातून का फासीिका फाजरा ऐसी किस हद तक पर्दा करना जरूरी होता है फासिका जी और दूसरा सवाल यह है की जो शोहर हजरा अच्छा, मना करते हैं अपनी बीवियों को पर्दा करने ऐसी तो ऐसी खबिन को कैसे समझाना चाहिए अपने शोहर हजरात को

अबाया ही पहना जाए या चादर भी पहनी जा सकती है बहुत शुक्रिया भी सवाले से ज़िमनन बात हुई मैं चाहूँगी कि आपका सवाल भी शामिल किया जाए लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक लेनी है अपनी ज़बानों को अपने लबों को दुरुदिपाक से तर रखिए हाज़िर होते हैं जनाब अल्लाह। बसमानी वरमी जनाब आज आप दिन और खात में जिस मौजू को देख रहे हैं जो हमने शामिल किया है वो है लिबास के शराय एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे है मैं शामिल कर रही हूँ बहन क्या नाम है आपका जी मैं रहमत भी भी बोल रही हूँ दोहरा जी से रहमत बीबी प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है बहुत शुक्रिया मैं तो, हाँ मैं देखती रहती हूँ मेरी दो सवाल है एक जो मैं दुआ पढ़ती हूँ तो अक्सर मैं आंखें बंद करके ही पढ़ती हूँ शुरू से और ये गुनाह तो नहीं है ना और अच्छा। दूसरे ना जो वितर नमाज पढ़ते उसमें सूर्य कुलूत पढ़ते हैं ना वो नहीं मुझे, आती। मुझे नहीं, नहीं आती जी मुझे नहीं आती तो इसके बारे में मैं कौन सी सूरत पढ़ सकती हूँ एक और कॉलर जी असलाकुम सलाम असलाकुम वालेकुम सलाम आपको मेरी आवाज़ आ रही है बिल्कुल आ रही है मेरी बहन क्या नाम है और क्या सवाल है आपका जी मेरा नाम रुबीना है और मैंने ये सवाल पूछना है कि जो औरतें कंगी करती हैं उनके बाल गिरते हैं उनको शरीयत में बेचना जायज है या नहीं बेचना अच्छा, बेचना ठीक है अच्छा जी बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की मेरी बहन आलमा उफाक इब्राहिम ये बताइए कि क्या एक औरत जदीद तर्ज का फैशनेबल लिबास पहन सकती है क्या एहतियातें करे वो बसमल रनिम तब रक वाल खुजू जीना मस्जिद अल्लाह ने कुर करीम में फ़रमाया कि हर नमाज के वक्त अपनी जीनतों को अख्तियार करो है है और है यहाँ है। पर खुजू का लफ्ज आया अख्तियार करो इसे पता चलता है कि शरीयत मुतहरा जीनत से मुतलकन इनकार नहीं करती खुद नबी करीम व तस्लीम की बारगाह में एक शख्स आए और आक सलात ने जब उनको देखा कि उन्होंने इतना अच्छा लिबास नहीं पहना हुआ था कुछ परागंदा हाल थे तो नबी करीम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह की नियमतें नहीं तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की नियमतों का असर नजर आना चाहिए इससे मालूम हुआ कि शरीत मुतहरा हमसे ये मुतालबा नहीं करती कि अल्लाह की इस रंगीन दुनिया में ब्लैक एंड वाइट जिंदगी गुजारें तो बाज लोग ये तस्वुर रखते हैं अपना कि जो शरीयत पे सीखेगा या जो दीनदार होगा वो ब्लैक एंड वाइट जिंदगी गुजारेगा और दुनिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा तो ऐसा नहीं है शरीयत मुतहरा मुतलकन शरीय की ममानत नहीं करती इसी तरह जो फैशन इख्तियार करना है जो लिबास इख्तियार करना है उसकी भी शरीयत मुतलकन ममानत नहीं करती बस ये शराब जो अब जिक्र की जाएंगी इनका लिहाज रखा जाए तो आपके लिए लिबास इख्तियार करना कोई भी लिबास पहनना बिल्कुल जायज़ है सबसे पहली शर्त यह है कि वो लिबास जो जिक्र किया गया कि सातिर औरत हो छुपाने वाला हो इतना शॉर्ट या इस तरह से वो स्लीव्स वगैरह जिनमें डिज़ाइनिंग आती है तो वो जगह जगह से फ़तर नुमाया हो रहा होता है इस तरह का लिबास ना हो दूसरी चीज़ ये कि इतना बारीक ना हो कि जिसम की रंगत जाहिर हो तीसरी ये कि लिबास इतना चुस्त ना हो कि जिसम की हैयत और बनावट महसूस हो इसके बाद ये कि उस लिबास पर कोई जानदार की तस्वीर वगैरह ना हो आप देखिए अब्रॉड से जो फैशन आ रहा है उसके अंदर अक्सर लिबास के अंदर तस्वीर बनी हुई होती हैं और हम अपनी डेली रूटीन में वो लिबास पहनकर नमाज भी अदा कर रहे होते हैं तो ये इस चीज की तरफ भी तवज्जो करनी जरूरी है और इसके बाद ये कि वो लिबास को भी ना पहनाए खुद तो नहीं पहनती लेकिन मैंने बास फैमिलीज में देखा है कि बच्चों को पहना देते हैं तो जी मुनासिब है बच्चों को भी ना पहनाया जाए क्योंकि तस्वीर की ताजीम से मना किया गया अब जब बच्चे को पहनाएंगे तो गोया कि को करते इस तरह की तस्वीरें होती है हाँ तो वो मुख्तार कुछ ऐसी सूरतें होती हैं जिनमें कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि कुछ इजाजत हो सकती है लेकिन आदत ये बनाए की बच्चों को इस डेवलप ना करें आप कोई सीनरी की तस्वीर वाले ड्रेसेस पहना देख मून या सन बने हुए तो बच्चे उसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं वो कलरफुल होते हैं फिर इसके बाद ये ज़रूरी है कि वो लिबास जो है वो किसी कौम या मज़हब की खास मुशाबत ना अख्तियार कर रहा यानी अच्छा। कि उस लिबास को देखकर फ़ौरन आपकी जुबान से ना निकले कि ये फलां कौम जैसा है ये फलाँ मज़हब जैसा है तो इस तरह की चीज़ ना हो अगर इन चीज़ों की रियायत करते हुए कोई जदीद फैशन का लिबास पहनता है तो ये बिल्कुल जायज़ है अच्छा। लेकिन ये देखें कि हमारी तोज्जो इस तरफ होती है कि हम अच्छे लिबास पहन लें लेकिन हम अपने बातिन को नहीं संवारते सबसे अच्छा लिबास तो तकवा का लिबास है तो वही इख्तियार करें फैशन भी इख्तियार करें उसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन अपने बातिन की तरफ तवज्जो करने की ज्यादा हमें ज़रूरत है अल्लाह से दुआ है कि हमें अपने जाहिर के साथ साथ बातिन को संवारने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए जनाब हया दीन इस्लाम की बुनियाद है और हया सोज लिबास मत पहनिए और हया का ख़्याल रखते हुए हमें रिया से भी बचना है अच्छा एक अगर फ़ैशन यूरोप से आ रहा है बाहर से आ रहा है तो बहनें कोशिश करती हैं कुछ घराने जहाँ पे ज़रा वो जो ट्रेंड्स फॉलो करने वाली जो फैमिलीज़ होती हैं तो वो लोग जो है वो पहनती भी हैं हदीस में आता है कि आपने जिस बात दी मेरी बहन ने की जमनन के जिस आ, कौम आ, की मुशाबहत इख्तियार की आप भी उन्हीं में से हैं क्या करिएगा इस हवाले से सबसे पहले तो मैं यह करना चाहूँगी कि इस्लाम की एक अपनी 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 है। और एक मुसलमान औरत पर वही खूबसूरती जचती भी है अगर हम गैरों का इख्तियार करेंगे तो में वो चीज नहीं दिखेगी जो उनमें दिखती है बात है उनका फैशन उनका अंदाज उनकी बनावट उनके ऊपर सूट करती है जब हम कॉपी करने जाएंगे तो वो चीज हमारे अंदर नहीं आ सकती तो इस्लाम के लिए एक मुसलमान औरत के लिए इस्लामी लिबास को ही अपनाना सबसे बेहतरीन चीज़ है और यही मतलूब शराह भी है, ठीक है। फिर जैसा कि हदीस मुबारक में है कि कि जो किसी कौम से मुशाबाह इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है तो ये मुशाबाहत या हदीस मुबारक का ये हुक्म किसी भी शख्स पर उस वक्त सादिक आएगा कि जब ये तीन चीजें पाई जाए सबसे पहली चीज के जिस चीज़ को इख्तियार किया जा रहा है वो उनकी मजहबी अलामत हो या फिर ऐसी कौमी अलात हो कि जो उन्हीं के साथ खास हो मुसलमानों में राय जो आम ना हुई हो तो अगर ऐसी आलामत को इख्तियार किया दूसरी शर्त कि उनकी मोहब्बत के साथ इख्तियार किया गया हो उनकी कलबी मैलान के साथ इख्तियार किया जाए और तीसरी शर्त के इंसान का उसे इख्तियार करना मुशाबहत के कसदो इरादे के साथ भी हो तो अगर ये तीनों उमूर पाए जाएंगे तो फिर इंसान इस हदीस के तहत दाखिल होगा कि जिसने उनसे मुशा की वो उन्हीं में से है सही। लेकिन अगर ये तीनों उमूर नहीं पाए जा रहे तो फिर ऐसी सूरत हाल में वो लिबास किसी और जहद से तो मना हो सकता है कि उस पर तस्वीर है या फिर वो बहुत ज़्यादा चुस्त है या फिर वो सितर को नहीं छुपा रहा किसी और जहद से ममानात हो सकती है लेकिन मुशाहत की वजह से ममानात के तहत ये हुक्म ये लिबास दाखिल नहीं होगा और अगर हम गौर करें कि इतना ज्यादा सख्त हुक्म क्यों बयान किया गया हदीस मुबारक में तो जैसा कि बयान भी फरमाया गया कि लिबास का इंसान की सोचो फिक्र पर बड़ा असर होता है तो जब इंसान ऐसा लिबास इख्तियार करेगा तो ये शैतान के वार होते हैं कि पहले तो लिबास में उसने मुब्तला किया किसी शख्स को कि सिर्फ लिबास ही तो है इख्तियार कर लो क्या हुआ फिर दूसरी सूरत में शैतान ये उभारेगा कि उनकी तरह का कल्चर अपना तरह उनकी तरह अपने रहन सहन को बनाओ और इन दी एंड वो इंसान के है कि जब कोई उनकी तरह का लिबास करेगा तो लाजमी तौर पर कोई और देखने वाला यह समझेगा कि ये काफिर है या फिर ये फुला से ताल्लुक रखता है तो यहाँ पर उसने दो खराबियां एक साथ ले ली हाँ। कि अपने आपको मकामत पर पेश किया और किसी मुसलमान को बदगुमानी में मुबतला किया कि एक मुसलमान ने इसके बारे में काफिर होने का गुमान किया तो इन इस गुनाह में मुबतला और तीसरी बात कि जब इंसान गैरों का इस तरह का लिबास इख्तियार करता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे अंदर फ़ितरतन हया रखी गई है हया का जो मादा रखा गया है वो कमी की तरफ आना शुरू हो जाता है लाजमी तौर पर गैर मुस्लिम की तरफ से आने वाला जो लिबास होगा वो इस्लामी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरेगा और जब वो पूरा नहीं उतरेगा तो इंसान की एक मुसलमान औरत के अंदर जो हया की खूबसूरती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और ये एक औरत के लिए एक मुस्लिम औरत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सही तौर पर को समझ कर उन पर परमल करने की तोहफ़ी का फरमाए। ठीक है मुफ्ती साहब कॉलर्स के सवाल शामिल करना चाह रही हूँ मेरी एक बहन ने पूछा कि जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं वहाँ ये मुशाहिदा होता है कि कजिन से पर्दा नहीं कराया जाता किस हद तक कजिन से पर्दा करवाना चाहिए पेरेंट्स को या घर वालों को क्या चेहरे का भी पर्दा शामिल है इसमें बसमिल्लर देखिए मौजूदा दौर के एतबार से फुका कराम ने चेहरे के पर्दे को वाजिब करार दिया है सही। क्योंकि पर्दे की हिकमत यह है कि किसी भी ऐसे आ, पर नज़र पड़ना जो आगे फसाद का सबब बन सकता हो और मौजूदा दौर में चेहरा एक ऐसा है की जिस पर नज़र पड़ती हो हैं फिर हैं। आगे बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं लिहाजा चेहरे का पर्दा भी वाजिब है और चाहे कजन हो चाहे कोई भी ऐसा जो नाम है उससे चेहरा छुपाना जरूरी है अलबत् घर के अंदर खवतिन को वो जॉइंट फैमिली अगर मुस्तकिल बुनियादों पर है साथ ही रह रहे हैं तो खुतिन के लिए इस हद तक रियायत जरूर मौजूद है कि वो हर वक्त तो जाहिर सी बात है कि वो अपना चेहरा नहीं छुपा सकती तो हतीमान जितना वो कोशिश कर सकती हैं अपने आप को कजन्स के सामने आने से रोकें और अगर बिलफर्ज वो आती हैं तो पूरी एक चादर लपेट कर सही से आए सामने अपना काम करें और फिर कजन वगैरह से ज्यादा फ्री ना हो और फिर अपने कमरे वगैरह में चली जाए लेकिन अगर फैमिली सिस्टम नहीं है तो फिर अब कजन से पर्दे से रोकना यह एक बड़े फितने को दावत देना है वजह इसकी ये है कि नबी करीम सलातम से जब सरकार सलातम ने पर्दे का हुक्म शायद फरमाया तो सब कराम ने अर्ज की यारसोल्ला देवर के बारे में आप क्या फरमाते तो सरकार आड़ी सलाम ने फरमाया कि देवर तो मौत है यानी उसके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा और चूंकि ये दोनों आपस में ना महरम हैं तो फिर ये अः महरम की देवर की तरफ से भाभी के लिए फितने का ज्यादा अंदेशा हो सकता है लिहाजा यहाँ पर तो फिर पर्दा करना ही पड़ेगा और इसमें कोई रियायत नहीं होगी कजन है या कुछ भी है वो अपने सगे भाई नहीं होते यही वजह है कि जिसको बचपन से कोई लड़की भाई भाई बोलती है बाद में वही उसका शौर बन जाता है तो इसका मतलब यह है तो नामहरम तो फिर इससे पर्दा भी इख्तियार करना जरूरी होगा अच्छा मुतकी मुमिना है या मुसलमान औरत है तो वो फासिका और फाजरा से कितना पर्दा करे देखें वो फासिका फ़ाजरा अगर खास तौर पर ऐसी है कि जो आ, खास तौर पर ख़वातीन के महासिन अपने शोहर के सामने या दीगर मर्दों के सामने बयान करती है तो उससे तो मुकम्मल तौर पर ऐसे ही पर्दा करना चाहिए कि जैसे मर्द से पर्दा करते हैं क्योंकि वो फिर चेहरे के महासिन भी जिक्र करेगी और सब कुछ जिक्र करेगी और अगर बिल्कुल फर्ज वो किसी और चीज़ में फिसको फजूर कर रही है तब भी हत्तल इम्कान उससे जितना हो उतना पर्दा हमें इख्तियार करना होगा खसूस अपने नाप से लेकर घुटने तक का घुटने के नीचे तक का जो हिस्सा है उसको भी छुपाएँ इसके अलावा दीगर जो आज़ाय बदन हैं उसको भी छुपाएँ जितना मुमकिन हो उससे वो फिर पर्दा किया जाए उसके सामने बेपर्दगी ना की जाए क्योंकि फिर वो आगे जिक्र कर सकती है अच्छा शोहर ही अगर मना करें कि आप पर्दा ना करें तो उन्हें कैसे समझाएं? देखें अवला तो खातन के चाहिए कि जब अगर शोहर इस तरह का ममानात कर रहे हैं तो वो इसके फवाद को जिक्र करें और ख़ास तौर पर शौहर के लिए वाहि अगर खुद बता सकती हैं प्यार मोहब्बत के माहौल में तो ख़ुद वही जिक्र करें कि अल्लाह रब्ज़त ने ऐसे शोहर को नबी करीम ने ऐसे शहर को दयूस फरमाया और उसके जन्नत में दाखिले को हराम करार दिया तो ये शौहर को बताया जाए कि अगर तुम मेरे साथ ये रवैया अख्तियार करोगे तो मुझ पर जो वबाल होगा उसके ज़िम्मेदार तुम भी हो गए तो ये आराम से समझाया जाए बदतमीज़ी ना की जाए और अगर बिलफर्ज़ अगर पर्दा करने में शोहर की तरफ से बहुत ज़्यादा मारपीट का या कोई और बहुत ज़्यादा जबर का अंदेशा है और औरत उसे जान भी नहीं छोड़ा सकती किसी तरीके से तो फिर ऐसी सूरत में अगर शोहर मना करता है शोहर के साथ कहीं जा रही है और फिर बेपर्दगी कर रही है तो औरत इसको बुरा जानती रहे क्योंकि वो शहर की तरफ से सख्त मारपीट नहीं ऐसी सख्त खतरनाक कि जो शहर की आ, औरत के लिए बहुत ज्यादा अजियत का तकलीफ हो उससे बचना चाह रही है अच्छा। तो उसी की नीयत रखे और फिर इसके बाद जो है वो अगर चेहरा खोलने का कहता है तो चेहरा खोल ले या अगर बिलफर्ज और आगे का भी कहता है तो वो फिर मालूम कर ले कि वो शहर किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है उसके मुताबिक फिर उसको हुक्म दिया जाएगा अच्छा लेकिन अगर नॉर्मली है तो फिर औरत दायरा अदब में रहते हुए शोर से अर्ज करती रहे और पर्दा इख्तियार करे थोड़ी बहुत नाराजगी अगर होती है तो उसको कोई मस्ता नहीं है वो प्यार मोहब्बत से समझाती रहेंगी तो इन शाह शोहर जरूर मान लेगा अच्छा कंगी करती है बाल गिरते हैं वो बाल बेच सकती है नहीं। नहीं, नहीं ये बाल बेचना शरण जायज नहीं है खातिन के लिए चाहे वो मर्द हों औरत इंसानी बालों को इस तरह बेचना ही शरण जायज ही नहीं है अच्छा ठीक है मुझे ये बता दीजिए लड़कों को सोने के जेवरात पहनाए जा सकते हैं नाबालिक नाबालिग बच्चा तो शर अत का मुकलफ नहीं होता जी जी। लेकिन माँ बाप शरही अहमाम के मुकलफ है वो उनके लिए जायज नहीं है कि वो नाबालिग लड़के को सोना पहने तो बच्चा गुनागार नहीं होगा वो गुनागार होंगे ठीक है अच्छा मेरी बहन बाहर घर से निकलते हैं मैं चाहती हूँ फ़क्त बताइए पूरी चादर पहने या अबाया ही पहने मतलब अगर एक सादर लिबास पहन के जा रही हैं तो चली जाएं घर से बाहर देखिए अगर खातून घर से बाहर निकलती हैं और अपने आप को किसी बड़ी चादर से भी ढांप लेती हैं जिनसे आगे से, से तर नुमाया ना हो तो इसमें शरी तौर शरीत पे कोई कबाहत नहीं लेकिन अबाया चूंकि ज्यादा कवर करने वाला होता है चादर के उड़ने का खतरा होता है तो अबाया पहना जाइए ज्यादा मुनासिब दुआएँ खनूत नहीं आती क्या करें ऐसी सूरत में कोशिश तो यही की जाए कि वो दुआए कुनूत याद करने की कोशिश करें लेकिन अगर ओवर एज होने की वजह से या नहीं कर पा रहे तो वो तीन मरतबा अल्लाह फेड़ी अल्लाह मग़ फेड़ी ये तीन मरतबा पढ़ लें सूरत के बाद तो इनशा उनकी नमाज़ हो जाएगी बहुत शुक्रिया आलिमा हाजिर अमीन आपका आलिमा उफ़ इब्राहिम आपका मुफ्ती मोहम्मद मदनी रज़ा साहब आपका आप तीनों की बहुत मशहूर हूँ नाज़िन आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग कॉल्स करते हैं हमारे प्रोग्राम को देखते हैं हम सब के लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक ताली हम सब पे अपनी रहमतों को और आप सब पे हम आपके लिए दुआ करेंगे कि तमाम फरमाए तब कल तक के लिए फिर अमान लाईक वरह